हो, क्या इसको मदीने की रियासत कहा जाता है कि मंदिर तो महफूज है, मस्जिद को गिराने के हुक्म सुप्रीम कोर्ट देती है। आज के इस इज्तम में कहता हूं कि कराची के किसी मस्जिद को किसी माई के लाल को जरूरत नहीं कि हाथ लगाए, जब तक हम जिंदा हैं किसी मस्जिद के एक ईंट को गिरने नहीं देंगे। मस्जिद तक पहुंचने के लिए जमीचत के अबाबीलों के सरों से गुजरना होगा। हम मस्जिद की चौकीदारी करेंगे, अगर मस्जिद सलामत नहीं रही तो तुम्हारे ओहदे भी सलामत नहीं रहेंगे, तुम्हारे दफ्तर भी सलामत नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अगर तुमने माई का दूध पिया है, आओ मस्जिद को गिरा के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसे मस्जिद गिराते हो। मस्जिद के लिए बाद में आए, पहले शाहराए फैसल पर हमारे अफवाज पाकिस्तान की जमीनों पर बने हुए पेट्रोल पंप गिराने का हुक्म दें। चीफ जस्टिस साहब मस्जिद पर बाद में आए, पहले हमारे अफवाज पाकिस्तान के जमीनों पर बने हुए स्कूलों छावनियों को गिराने का हुक्म दें, फिर मस्जिद की तरफ आए। मैं वाजे कहना चाहता हूं, मस्जिद लावारिस नहीं, तारिक रोड हो मदीना मस्जिद हो, इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम इन मसाजिद की चौकीदारी करेगी, जालिम से बगावत करेंगे, हर मजलूम की हिमायत करेंगे और बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे।